हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ को आग लगी हुई है, गरीब मर रहा है, गरीब के बिल्कुल कपड़े उतर गए हैं, यकीन करें। और कोई हमें नहीं चाहिए, सिर्फ बजट में ये होना चाहिए कि गरीब आवाम सिट रहे हुए और चीज़ें खाने पीने की ऐसी तमाम कम हो जाएँ, बस हमें ये चीज़ चाहिए। हम लोग जब बजट बनाते हैं हम अपनी एलीट क्लास को तो देखते हैं लेकिन हम अपनी मिनोरिटी क्लास को नहीं देखते हैं, हम गरीबों को नहीं देखते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे अहम मशवरा, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हमें कुछ इस तरह के जर्नल्स प्लान करना चाहिए जिसमें हम गरीब दोस्तों को भी लेकर चलें। अभी तो बजट पर यही होनी चाहिए कि हम तो कहते हैं कि हम तो गरीब लोग हैं, देखो इस तरह मजदूरी करते हैं, खून पसीना बहा के। हमारा तो वही कि वही गरीब ये नीचे जा रहे हैं ना, गरीब तबका, अमीर तो वही कि अमीर होते जा रहे हैं। इस बजट के अंदर जो है वो हम लोग चाह रहे हैं कि आवाम की चीज़ें थोड़ी सस्ती हों, जिस तरह ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और उसके बाद ये कमोडिटीज़ हैं, रोज़मर्रा की नेसेसिटीज़ हैं, इसमें तो दिन ब दिन प्राइसेस हाई हो रही हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, बहुत महंगाई है, खाना पीना मुश्किल हो रहा है इंसान के लिए, जिसके बच्चे हैं बहुत मुश्किल है, किराए का घर है तो बहुत और भी मुश्किल है। चाहिए कि हुकूमत को गरीबों का ख्याल करना चाहिए। हुकूमत से हमारी एक अपील है कि उन आम सार्फ को याद ज़रूर रखे जिसने रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी कर कर चंद रुपए कमाने हैं और उस चंद रुपए से रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया खरीदनी है। बस आवाम के लिए रिलीफ चाहिए ना, आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगा है, घी भी महंगा है, सब कुछ महंगा है, क्या सस्ता है। इस बजट में भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है गरीब आदमी के लिए, ना ही सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई अच्छी खबर है और ना ही गरीब आवाम के लिए, ना रेड़ी बानों के लिए, ना मज़दूरों के लिए, और ना ही ये छोटा तबका है दिहाड़ी पे काम करते हैं उसके लिए भी फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई ख़ास ऐलान किया गया है। हम लोग ये खुशखबरी चाहते हैं, इमरान खान साहब हर चीज़ आपके इख्तियार में है, मिनिस्टर आपकी हैं, एमपीएस आपकी हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, आप थोड़ा सा एक्टिव हों, इदारों में विज़िट करें और देखें। बिजली का रेट गिर जाए सबसे पहली बात यह है, पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि समझे कि रील की हड्डी टूट गई है। स्पेशली कराची के लिए कोई ना कोई पैकेज का ऐलान होना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये होनी चाहिए कि हमें और हमारे लिए जो एशियाई खुर्दनिश का जो सामान है जिसमें आटा है, घी है, चीनी है, रोज़मर्रा के जो घरेलू सामान है उसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए। हमारे सबसे बड़ा जो मसला है वो इस टाइम महंगाई का ही है। महंगाई जो है जितना कंट्रोल होगा या रोज़गार के मौके ज़्यादा हों, लोग काफ़ी बेरोज़गार हैं, जो रोज़गार पर हैं छोटे छोटे ताजर हैं उनका महंगाई की वजह से काम रुक गया है।